हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्टिविटी 4.6 को परफॉर्म करेंगे। ये एक्टिविटी हमें अल्कोहल जैसे कि एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और सोडियम मेटल के बीच के रिएक्शन को समझने में मदद करेगी। हम लोग जो है एथेनॉल और सोडियम मेटल के बीच को रिएक्शन को देखेंगे। बाकी जो प्रोपेनॉल होता है, ब्यूटेनॉल होता है, वो भी सेम पैटर्न फॉलो करते हैं जो एथेनॉल और हम लोग सोडियम मेटल के बीच के रिएक्शन को देखेंगे। ओके, ये मेरे पास सोडियम मेटल के पीस हैं और ये मेरे पास एथेनॉल है, एब्सोल्यूट एल्कोहल या एथाइल एल्कोहल, राइट। इस एक्टिविटी को करने के लिए मैं इसमें से कुछ एथेनॉल को एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम मेटल का एक पीस डालता हूँ और देखना क्या होता है। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को देखोगे तो यहाँ पे आपको बबल्स रिलीज होते हुए नजर आएंगे, और बबल्स जब भी रिलीज होते हुए नजर आते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कोई ना कोई गैसेज रिलीज हो रही है। इस केस में, पार्टिकुलर केसेज में, ये हाइड्रोजन गैस है और इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज ब्रिंगिंग ए बर्निंग मैच स्टिक। तो थोड़ा सा मैं एक्यूमुलेट हो जाने देता हूँ हाइड्रोजन गैस को, और उसके बाद मैं बर्निंग मैच स्टिक लाकर इसको वेरीफाई कर देता हूँ, दैट इज दिस इज द हाइड्रोजन गैस। ओके, यहाँ पे एक मैच स्टिक ले जाते हैं, तो देखो आप, ये पॉपअप साउंड के साथ जल रहा है। आपने देखा ये पॉपअप साउंड के साथ जला। फिर से कर लेते हैं एक बार, तो देखा आपने ये पॉपअप साउंड के साथ जल रहा है। तो इसका मतलब ये जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस है, और ये जो टेस्ट ट्यूब है ये भी हमारा गर्म हो जाता है, दैट इज दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब हमारे पास एक नया सब्सटेंस मिला। ये जो पार्टिकुलर सब्सटेंस है, इसके जरिए हम लोग नेचर टेस्ट करते हैं ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो इसको मैं एक दूसरे बीकर में ड्रॉप आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास रेड लिटमस पेपर है। ये रेड लिटमस पेपर है मेरे पास, और इस रेड लिटमस पेपर को देखो, ये जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे रहा है। आपको दिख रहा होगा ये रेड लिटमस पेपर को हमारा ये ब्लू कर दे रहा है। इसका मतलब जो ये जो पार्टिकुलर सब्सटेंस है ये बेसिक है। ये जो है हमारा सोडियम एथोक्साइड है जो कि बेसिक होता है। ये हमारा एक आयोनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, कार्बनिक कंपाउंड भी है, और ये बेसिक सॉल्ट है। ओके, अब हम लोग कुछ नोट्स लिख लेते हैं। ओके, अब इस रिएक्शन में हम लोग कुछ नोट्स कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले देखा था एक हाइड्रोजन गैस निकला था, उसको हम लोगों ने ट्रूथ उसको वेरीफाई किया था गैस का, दैट इज हाइड्रोजन गैस था वो। तो एक तो हमारे पास H2 बना, और ये जो H2 आता है ना, यहीं से टूट के आता है। ये जो H है ना पार्टिकुलर टूट जाता है और हमारे पास बनता है CH3, CH2 और O-, और इसके साथ हमारा सोडियम बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाता है और हमारे साथ बनता है CH3, CH2, O- और Na+। और ये एक आयनिक कंपाउंड हुआ क्योंकि इसमें एक कैटायन है और एक एनायन है, कैटायन और एनायन है, तो इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड कहेंगे। और साथ ही साथ इसमें कार्बन भी तो प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्गेनिक भी कंपाउंड कहेंगे। तो ये जो है हमारा सोडियम एथोक्साइड है जो कि बेसिक होता है, ये बेसिक हमारा सॉल्ट है। तो हम लोग जो है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड, या हम लोग सोडियम एथेनोलोइट भी इसको बोलते हैं, सोडियम एथोक्साइड या सोडियम एथेनोलेट, राइट। और इसमें हम लोगों ने देखा कि ये हमारा रिएक्शन था एक्सोथर्मिक था, एक्सोथर्मिक भी होता है। तो आप इसको नोट करके रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।